मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो जाएगी। वहीं इसके बाद मशीनों की गणना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिस पर मशीनों को रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मतगणना की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 नवम्बर को ही मतगणना के बाद सारी वीवीपैट मशीन स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी हुई है। काउंटिंग के दिन प्रातः 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ की जाएगी और पोस्टल बैलेट की गणना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ के टेबल पे होगी और जहां पोस्टल बैलेट ज़्यादा होंगे वहां पर हम 3 एआरओ को लगाएंगे, जहां पोस्टल बैलेट कम है वहां 2 एआरओ के गणना से काम प्रारंभ हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होने के आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे हम मशीनों की गणना शुरू करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाएंगे जिस पर मशीनों को लाकर हम गणना प्रारंभ करेंगे 8:30 बजे। जहाँ पोस्टल बैलेट है, वैसे हर जगह है पोस्टल बैलेट, तो हर जगह पर पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे प्रारंभ होगी और 8:30 तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पोस्टल बैलेट की गिनती जारी रहेगी और 8:30 बजे मशीनों की गणना प्रारंभ होगी। 14 टेबल प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल है। तो यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में 280 मतदान केंद्र है तो आपके काउंटिंग के लिए 20 राउंड लगेंगे, प्रत्येक राउंड में 14 मतदान केंद्रों की गिनती होगी, तो उस हिसाब से राउंड फाइनल होंगे। ये राउंड वार कौन सा मशीन, कौन से मतदान केंद्र का मशीन, कौन से टेबल नंबर पे आएगा, इसके एक चार्ट बनती है जो पहले से ही काउंटिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को दी जाती है। अब प्रत्येक राउंड के बाद जब 14 टेबल से गिनती का शीट आता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो रिटर्निंग ऑफिसर उस रिजल्ट को टैबुलेट करते हैं हर एक टेबल का, यानी हर एक मतदान केंद्र का। तो उन्होंने पहला राउंड में मतदान केंद्र क्रमांक 1 से लेकर मतदान केंद्र क्रमांक 14 तक जो वो टोटल करेंगे, जिसको हम टैबुलेशन शीट बोलते हैं, वो टैबुलेशन शीट का फोटोकॉपी करके कैंडिडेट को देंगे। उस टैबुलेशन शीट को वो वेरीफाई करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जर्वर भी देखेंगे, वो साइन करेंगे, साइन करने के बाद उसकी फोटोकॉपी सभी कैंडिडेट्स को देंगे और उसको अनाउंस करेंगे। तो जब कैंडिडेट्स को फोटोकॉपी देके रिजल्ट माइक में अनाउंस करने के बाद दूसरा राउंड शुरू होगा। तो इस प्रकार जब एक राउंड खत्म होगा, उसका टैबुलेशन कंप्लीट होगा, तब दूसरा राउंड शुरू होगा। इस प्रकार जितने मतदान केंद्र उस हिसाब से उतने राउंड होंगे और उसके बाद लास्ट में टोटल करने के बाद रिजल्ट घोषित होगा। काउंटिंग हॉल के अंदर किस किस का प्रवेश है, वो कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ नहीं बैठ सकते, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश है। सबके लिए अलग अलग कमरे बनाने की व्यवस्था है, उसमें प्रेस का भी एक अलग व्यवस्था है और प्रेस के लोगों को भी एक छोटे छोटे लॉट्स में, चूंकि बहुत सारे वहां पर प्रेस के प्रतिनिधि ज्यादा हो जाते हैं, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको भ्रमण कराने का निर्देश है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।